गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनाकर नाल। आज हम क्लास 7 का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, मोशन एंड टाइम, उसमें हम करेंगे यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो आपको याद हो कल हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने किया था कि जबकि एक जब स्पीड होती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम चले, ना वो स्पीड कम हो ना स्पीड ज़्यादा हो। नॉन यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा था जब स्पीड जो है टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहे। आज हम करेंगे यूनिट्स ऑफ स्पीड। द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ टाइम यूज। स्पीड हम किस पे निकालेंगे? हम स्पीड हमारा जो मेन है उसमें क्या यूज़ होता है? डिस्टेंस एंड टाइम। कितना डिस्टेंस हमने लेना है उसी हिसाब से स्पीड होता है, और कितने टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। क्या है, दोबारा बोलूँगी मैं, या यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम पे डिपेंड करती है हमारी स्पीड। द मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द सेकेंड इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है हमारा मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है हमारा सेकेंड। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड को हम किस से मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्ज वैल्यूज ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स पर आवर। जो हम लंबी वैल्यूज़ देते हैं, बड़ी वैल्यूज़ देते हैं स्पीड में, वो हम किस में लेते हैं? किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। एंड इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल इज मेजर इन टर्म ऑफ किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज मेजर इन एन आवर। इसमें क्या करते हैं हम, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में लेते हैं हम लार्ज वैल्यूज़ में, और टाइम जो लेते हैं वो आवर में लेते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। थर्ड है द स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो छोटी वैल्यूज लेते हैं हम स्पीड की, वो किस में लेते हैं? हम सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते हैं। एंड इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर एंड टाइम टेकन इज मेजर इन सेकंड। और स्मॉल वैल्यूज में हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे हम लेते हैं सेंटीमीटर्स में, और टाइम जो लेते हैं उसको हम बोल उसमें करते हैं सेकेंड्स में, इसलिए हम बोलते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। लार्ज वैल्यूज लेते हैं हम किलोमीटर पर आवर में, और स्मॉल वैल्यू हम लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया हमारा मीटर, एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम हमारा हो गया सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये है यूनिट्स ऑफ स्पीड। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।